तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और टर्मिस्ट ट्यूटोरियल की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी गिटहब रिपोजिटरी को समराइज कर सकते हैं। अभी समराइज करने का क्या मतलब है ये चीज़ मैं आपको आगे बता दूंगा, बट सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ गिटहब की रिपोजिटरी के ऊपर। मतलब एक ऐसे इंसान का जो अभी एक दो वीडियो से ही गिटहब के बारे में जाना है और वो नई नई रिपोजिटरीज के ऊपर जा रहा है, देख रहा है, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। ठीक है, अभी आप ऐसा समझो कि एक कोई बहुत ही खतरनाक सी गिटहब रिपोजिटरी है जिसके ऊपर बहुत ही कमाल का टूल पड़ा हुआ है। ओके, अब जो उसका ओनर है या फिर जो डेवलपर है उसने बहुत डिटेल में हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें गिटहब की पूरी रिपोजिटरी के ऊपर लिख डाली हैं। अब आप गए, आपने सोचा यार टूल तो बहुत ही गजब का है, बहुत सुना है इसके बारे में, चलो इसको इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने पहुँचे, आपने खोला गिटहब की रिपोजिटरी को। अब जैसे ही खोला आपने देखा इतना सारा टेक्स्ट, इतनी सारी जानकारी, इतना सारा डिस्क्रिप्शन, ताम झाम और दर्जन भर कमांड, बहुत सारी चीज़ें सब पड़ी हुई हैं। अब हो गए आप कन्फ्यूज़। अब देखो, जब भी कोई एक नया बंदा होता है ना, मैं खासकर ये उन बंदों के लिए बोल रहा हूँ जो कि अभी एक हफ्ता उनको हुआ होगा गिटहब चलाते हुए, मैं किसी पुराने आदमी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ जो काफ़ी टाइम से ये सब काम कर रहा है, नहीं, हम लोग नए लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो हो जाता है कंफ्यूज, उसको अब समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं क्या करूँ। वो ये सोच रहा है कैसे इंस्टॉल करूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, कंफ्यूज हो गया। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा मैं भी हो जाता हूँ। आप सोच रहे हो भैया आप भी कंफ्यूज होते हो, बिल्कुल यार, बहुत सारी ऐसी रिपोजिटरीज होती हैं जिनको देख करके मेरे भी होश उड़ जाते हैं, यार इतना सारा तामझाम है, करूँगा कहाँ से, अब मैं क्या करना है, कौन से स्टेप्स लेने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पूरा समराइज करेंगे। समराइज करने का क्या मतलब है, जो जो मेन मेन स्टेप्स हैं, जो जो की स्टेप्स हैं, वो हमें पता चल पाए। अब आप सोच रहे होगे वाह भैया ये तो काम बहुत ही गजब का है, इससे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ये काम करने के लिए हम लोग हेल्प लेने वाले हैं अपने पुराने दोस्त की। अब आप सोच रहे होगे कि कौन सा पुराना दोस्त भैया, चलो कुछ लोगों से मैं गेस के लिए बोलता हूँ, चलो गेस लगाओ कौन से दोस्त की हम लोग हेल्प लेने वाले हैं। बिल्कुल ठीक, कुछ लोगों ने जल्दी से बोला चैट जीपीटी का लेने वाले हो भैया, बिल्कुल ठीक, हम लोग लेने वाले हैं चैट जीपीटी की हेल्प। और मैं आपको समराइज करके दिखाऊंगा एक दो रिपोजिटरी को और कैसे आप लोग चैट जीपीटी से बात करके सीधे उससे पूछ सकते हो कि भैया ये जो मैंने पूरा रिपोजिटरी का तामझाम दिया है ना, इसमें से सिर्फ मुझे इंस्टॉल करने वाली चीज़ें बताओ कि मैं इस रिपोजिटरी के अंदर जो भी टूल पड़ा है उसको धड़ाधड़ अपने टर्मिक्स में इंस्टॉल कर सकूं। चैट जीपीटी आपको वो भी ढूंढ ढांड के बता देगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो, बट उससे भी पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। आपको अच्छा याद तो होगा कि हम लोगों ने अपनी जो लास्ट वीडियो बनाई थी ना, उसके पिन कमेंट के अंदर एक भाई गूगल के फॉर्म की लिंक दी थी। मैंने कहा था कि अपनी फेवरेट रिपोजिटरीज की लिंक वहां पेस्ट कर देना, बहुत सारे लोगों ने पेस्ट की, बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख करके। ठीक है, अभी आपको मैं बताता हूँ कि मतलब मेरी रिपोजिटरीज को कैसे देख सकते हो। मेरी रिपोजिटरीज का ये मतलब नहीं है कि मैंने ही उन रिपोजिटरीज को बनाया, मतलब जिन रिपोजिटरीज को मैं फोक करके लेकर के आया हूँ उनको कैसे देख सकते हो, ताकि तुम्हें ये पता चल सके कि अच्छा भैया आपको कौन कौन सी रिपोजिटरीज पसंद आ रही हैं, है कि नहीं। आप सिंपल से गूगल पे जाओ, द GSM वर्क गिटहब जाना, खोलना उसको, ठीक है, खोल लेना इसको। और यहाँ पे तुम लोग देख पाओगे, ये तो मेरा अकाउंट है। आपको सिंपल से ये जो रिपोजिटरीज का सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है, दैट्स इट। और अभी तक आप लोग ये खुद से करना सीख जाओगे, मुझे तो इतना लग ही रहा है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि कौन कौन सी रिपोजिटरीज मुझे पसंद आ रही थी, जैसे कि फाइल टू लिंक, ये एक बॉट था, बहुत ही गजब का बॉट था, मैंने इस बॉट को बना करके अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया, बहुत ही गजब का बॉट था। आज के टाइम में इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट मस्त था। और उसी टाइप से और भी चीज़ें, ठीक है, तो आप लोग जा करके यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन सी रिपोजिटरीज मुझे पसंद थी। ठीक है, चलो, अभी फ़िलहाल मैं VS Code ऑन Android, ठीक है, ये वाली रिपोजिटरी के ऊपर मैं चला जा रहा हूँ और इसको समराइज़ करेंगे हम लोग। पहले देख लेते हैं कि समराइज़ करने लायक भी है या नहीं। ठीक है, यहाँ इमेज है, काफ़ी सारा टेक्स्ट है, रिक्वायरमेंट सपोर्ट और काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हाउ टू इंस्टॉल है, ठीक है, एक्सटेंशंस हैं। चलो, वैसे मतलब ये बहुत बड़ी रिपोजिटरी तो नहीं है, एक नॉर्मल बंदा इसको बहुत ही आराम से समझ सकता है कि क्या है क्या नहीं है, बट फिर भी एज अ एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूँ और इसको समराइज करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहले देखो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको पूरी की पूरी रिपोजिटरी को कॉपी मारना है। अब आप सोच रहे होगे पूरी की पूरी रिपोजिटरी कैसे कॉपी मारूंगा, बिल्कुल आसान है, एक जगह क्लिक करो, सेलेक्ट ऑल, सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, ये देखो ये 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 और ये सब। अब आप सोच रहे हो कि इसमें तो बहुत सारा चीज़ फालतू का है,
कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब सेलेक्ट कर डालो, चैट जीपीटी खुद से समझ लेता है, ठीक है। आपको सिंपल से कॉपी करना है। देखो हम लोग कोई भी अभी टफ रास्ता नहीं लेंगे, हम लोग अभी आसान आसान चल रहे हैं, तो आसान आसान चलो, ठीक है। चलो और मैंने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको बात करके मनाऊंगा कि हाँ भैया ये जितनी भी इंफॉर्मेशन देगा ये हमारी नॉर्मल जो हम लोग बात करते हैं ना उस भाषा में देगा। हेलो, देखो अगर कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो तो ध्यान ना देना, ठीक है। ओके, मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ से, देखते हैं क्या रिप्लाई देता है बंदा। हाँ, इसने देखो हम लोगों की नॉर्मल भाषा में रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, पूरी की पूरी जो भी मैंने कॉपी किया ना रिपोजिटरी की जितने भी टेक्स्ट हैं उनको पेस्ट करूँगा और एक ब्रैकेट दूंगा यहाँ पे इस टाइप का, इसको अच्छे से समझाओ। और देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, चिंता ना करो, छोड़ दो, इग्नोर मारो। और इसको कैसे इंस्टॉल करूँ मैं टर्मेक्स में, बताओ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आप लोग भी अपनी पसंदीदा रिपोजिटरी के ऊपर जा करके इस टाइप से करना। अभी मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि किसी बहुत बड़ी रिपोजिटरी के ऊपर जा करके मत करना। आप इंस्टॉल करने जाओगे तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि चैट जीपीटी जो इंस्टॉलेशन का इंस्ट्रक्शन देता है ना वो थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है। तो पहले स्टार्ट करो किसी छोटी, किसी नॉर्मल रिपोजिटरी से जिसको आप लोग अपनी आंखों से खुद देख करके समझ सकते हो कि अच्छा इसको तो ऐसे इंस्टॉल करना है। फिर भी ट्रायल लेने के लिए, ठीक है, ट्रायल के लिए आप चैट जीपीटी के पास जाओ, पूरी रिपोजिटरी पेस्ट करो और पूछो उससे, देखो कि आपके दिमाग में जो तरीका चल रहा है और चैट जीपीटी जो बता रहा है क्या वो तरीका सही है या फिर गलत है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये अच्छे से इसने सब कुछ ऊपर बता दिया है। रिपोजिटरी तो पूरी इंग्लिश में थी बट इसने हम लोगों की भाषा में सब कुछ बता दिया है। आप लोगों के लिए बहुत ईजी होने वाला है, आप पढ़ोगे आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है ये बता दिया, टर्मेक्स ये देखो सब कुछ, मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक पे चला गया, ठीक है, बहुत ही बेसिक। और एपीके टर्मेक्स के अंदर सेटअप कैसे करना है, टर्मेक्स को ओपन करें और उसमें स्टोरेज परमिशन दें, ये सब चीज़ें हम लोग बहुत ही स्टार्टिंग में सीख चुके हैं, स्टोरेज वगैरह परमिशन कैसे देते हैं, ठीक है। अपडेट कर लें रिपोजिटरी को, यहाँ पे देख सकते हैं, और इंस्टॉल गिट क्लोन रिपोजिटरी, इंस्टॉल वीएस कोड और सब कुछ यहाँ पे इसने डिटेल में दे दिया है। तो कितना कमाल का है कि नहीं। अभी देखो एक ही रिपोजिटरी का मैंने वैसे तो लिया है यहाँ पे, ठीक है, एग्जांपल, बट मैं एक रिपोजिटरी को और एग्जांपल लूँगा और इसी रिपोजिटरी के ऊपर मैं अभी अपनी अगली वीडियो भी लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। तो ये रिपोजिटरी मैं तुम्हें होमवर्क के तौर पे भी देना चाहता हूँ, प्लस जो अगली मेरी वीडियो होगी ना वो हम लोगों के इस कोर्स के अंदर एक बहुत ही गजब का चेंज लेकर के आएगी और आपको उस चेंज को देख करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे तो मैं अभी आपको वो रिपोजिटरी दिखा दूंगा और आपको होमवर्क भी दे दूंगा, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हम लोग अपनी अगली वीडियो के अंदर क्या धमाका करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, मैंने गूगल के ऊपर देखो क्या सर्च किया है, टर्मेक्स डेस्कटॉप। अभी ये टर्मेक्स डेस्कटॉप क्या है आपको मैं सबसे पहले रिपोजिटरी बता दे रहा हूँ। देखो टर्मेक्स डेस्कटॉप की दो रिपोजिटरी हैं जो कि मुझे पसंद है। पहले मैं ये आदिल भाई की रिपोजिटरी यूज़ करता था, आदिल वाली, ठीक है। अभी एक यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी आई है, ठीक है, तो ये मैं नाम सही से प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाऊँगा, सबा शायद लिखा है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो मैं इसको सिंपल से क्लिक कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। और ये रिपोजिटरी को आपको पूरा का पूरा डिटेल में जानना है, आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या करता है ये रिपोजिटरी। एग्जैक्टली ये रिपोजिटरी क्या करेगी, अभी तक हम लोग टर्मेक्स को ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन में चला रहे हैं, खाली कोड लिख रहे हैं, वही ताम झाम पुराना सिस्टम है ना। बट अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ रहे हैं, अब हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब टर्मेक्स को पूरा एक फुल फ्लेज कंप्यूटर बनाएंगे, उसके अंदर हर एक चीज़, जैसे कंप्यूटर में आइकन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टर्मेक्स को हम लोग पूरा उसमें कन्वर्ट कर देंगे और हम लोग फिर टर्मेक्स को चलाएंगे, ठीक है। तो अभी तो मैं अगली वीडियो में इस चीज़ के बारे में बात करूंगा, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को ये जो पूरी की पूरी रिपोजिटरी है ना, इस पूरी की पूरी रिपोजिटरी को आप लोगों को सिंपल से कॉपी मारना है, ठीक है। आपने पूरी की पूरी रिपोजिटरी को कॉपी मार दिया, कॉपी मारने के बाद आपको सिंपल से क्या करना है, चैट जीपीटी पे डाल करके इसको समराइज करना है कि कैसे भैया इंस्टॉल होगा, क्या क्या स्टेप्स लेना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये हर एक चीज़ आपको खुद से समझनी है, ठीक है।
मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, सेम टू सेम आप लोग वैसे ही कर लोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने एक का कर ही दिया था बट मैं फिर से कर दे रहा हूँ, सेलेक्ट ऑल, ठीक है। हम लोग कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पे जाऊँगा और यहाँ पे बोलूँगा, मैं बोलूँगा क्या, मैं सिंपल से इसको पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। मैं सिंपल से यहाँ ब्रैकेट लगाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा कि इसके बारे में भी बताओ और इसको कैसे इंस्टॉल करें, स्टेप बाय स्टेप बताओ। दैट्स इट, इतना हम लोगों ने लिखा और सिंपल से हम लोग कर देंगे इसको भी सेंड। ओके, यहाँ पे मैंने इसको सेंड कर दिया है और जैसा कि चैट जीपीटी हमेशा करता है, ये हर एक चीज़ को पढ़ेगा, उसको समराइज़ करेगा अपने हिसाब से और आपको स्टेप बाय स्टेप, ये देखो रिक्वायरमेंट भी बता रहा है कि रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, टर्मिस कैसे इंस्टॉल करना है, अपडेट करना है, हर एक चीज़, हर एक स्टेप आपको इसने बता दिया है। आप लोगों का अब ये होमवर्क है कि यही रिपोजिटरी गूगल के ऊपर ढूंढोगे, इसको फोक करके अपने पास रखोगे, प्लस चैट जीपीटी से इसका पूरा समरी निकलवाओगे और उसके बाद इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे। देखो इंस्टॉल ना हो वो एक अलग बात है, ठीक है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक हो गया कि इंस्टॉल हुआ ही नहीं। मैंने यहाँ पे बोला है सिर्फ कोशिश करोगे, कोशिश भी नहीं की तो कोई काम नहीं हुआ। इंस्टॉल ना हो, इंस्टॉल करते वक्त कोई एरर आए, चला ना पाओ, वो सब बहुत दूर की बात है, यहाँ पे सिर्फ बात हो रही कोशिश की। तुम लोग यार कोशिश करोगे और भाई हार नहीं मानोगे, तुम्हारा भले ही ये ना चले, मैं ये कहता हूँ भले ही ये चले ना, बट कोशिश ज़रूरी है, ठीक है। चलो आई होप सो कि तुमको होमवर्क तुम्हारा समझ में आ गया है, करके रखना, नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे आपका माइंडसेट होना चाहिए, किसको चलाना है, हर एक चीज़ हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।